गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति समाज, राष्ट्र व धर्म की समस्याओं से पलायन की आज्ञा नहीं देती है। समाज, राष्ट्र व धर्म की समस्या को हमें अपने खुद की समस्या मानना होगा। हमें खुद को हर चुनौती से निरंतर जूझने के लिए तैयार रखना होगा, क्योंकि समस्याओं से पलायन करने वाले उनसे मुंह मोड़ने वाले जनविश्वास खो देते हैं। पलायन करने वालों को वर्तमान और भावी पीढ़ी कभी माफ नहीं करती है। सीएम योगी, युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं तथा राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतिम दिन बुधवार आश्विन कृष्ण चतुर्थी को महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। श्रद्धांजलि समारोह में अपने भावों को शब्दांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरक्षपीठ के पूज्य आचार्य द्वे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने धर्म, समाज और राष्ट्र की समस्याओं से पलायन न करने का आदर्श स्थापित किया। उनके मूल्यों, सामर्थ्य और साधना की सिद्धि का परिणाम आज गोरखपुर के विभिन्न विकल्पों के माध्यम से देखा जा सकता है। उन्होंने गोरक्षपीठ को सिर्फ पूजा पद्धति और साधना स्थली तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के विभिन्न आयामों से जोड़कर लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। सीएम योगी ने कहा कि गोरक्षपीठ की परंपरा सनातन धर्म की महत्वपूर्ण कड़ी है। आश्रम पद्धति कैसे संचालित होनी चाहिए, समाज, देश और धर्म के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसका मार्गदर्शन इस पीठ ने किया है। ऐसे दौर में जब बहुतायत लोग भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं, देश, काल व समाज के अनुरूप कार्यक्रमों से जुड़कर यह पीठ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ द्वारा स्थापित आदर्शों को युगानुकूल तरीके से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जब देश पराधीन था, तब यह धार्मिक पीठ सीमित संसाधनों से शिक्षा का अलख जगाने के अभियान से जुड़ती है। पूज्य संतों ने आजादी के आंदोलन को नेतृत्व दिया, उसमें भागीदार बने और इस दिशा में गोरक्षपीठ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सीएम योगी ने कहा कि आजादी का आंदोलन हो या आजादी मिलने के बाद राष्ट्र निर्माण के अभियान को गति देने की बात, गोरक्षपीठ ने महंत दिग्विजयनाथ व महंत अवैधनाथ के नेतृत्व में निरंतर प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग प्रशस्त होने से भारत के लोकतंत्र व न्यायपालिका की ताकत वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हो या फिर प्रयागराज दिव्य एवं भव्य कुंभ, हमारे सांस्कृतिक विजय के इस अभियान का हिस्सा है। यही नहीं, अब भारतीय नस्ल के गोवंश संरक्षण की वकालत वैश्विक मंचों से की जा रही है। अति भौतिकता के पीछे पड़कर अर्जित की गई गंभीर बीमारियों से बचने के लिए प्राकृतिक खेती पर दुनिया जोर दे रही है और प्राकृतिक खेती के लिए भारतीय ही गोवंश आधार होगा। इससे गाय भी बचेंगी और मानवता को बीमारियों से मुक्ति भी मिलेगी। कुल मिलाकर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और हम सभी को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मासूमों की मौतों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 1977 से 2017 तक प्रतिवर्ष 1200 से 1500 बच्चे इस बीमारी के चलते दम तोड़ देते थे। 40 साल में 50,000 मौतें हुई। दम तोड़ने वाले बच्चे इसी समाज की धरोहर थे। 2017 के बाद से सरकार ने स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाकर शासन प्रशासन के साथ जनता के सहयोग से बीमारी का समाधान निकाला। इन सब का परिणाम यह है कि इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतें अब शून्य की तरफ हैं। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान समय में अपना देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के शताब्दी वर्ष तक हमारा लक्ष्य भारत को विकसित एवं दुनिया की महाताकत बनाने का होना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सभी को विगत स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पंच प्रणों से जुड़ना होगा। अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रह्मलीन महंत द्वय की व्यक्तित्व एवं कृतित्व सदैव प्रेरणादायी है। श्री राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने के साथ ही उन्होंने गोरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को प्रवाहमान बनाया। श्रद्धांजलि समारोह में प्रयागराज से पधारे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, उन्हें पूरा विश्वास है कि मथुरा और काशी का पुनरुद्धार भी उन्हीं के नेतृत्व में होगा।
उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर और काशी में भगवान शिव के मंदिर का नवोत्थान शुरू हो, तभी वह वासुदेव आनंद सरस्वती अपने शरीर का परित्याग करें। इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से जुड़े अपने संस्मरण सुनाते हुए शंकराचार्य ने कहा कि महंत जी की सरलता, सहृदयता व सर्वजन प्रियता का बखान कर पाना मुश्किल है। कहा कि वर्ष 1991 में वह गोरखनाथ मंदिर आए थे, एक स्थान पर पूजा करते देख महंत अवैधनाथ ने उनसे विशिष्ट स्थान पर पूजा करने का अनुरोध किया। वासुदेवानंद जी द्वारा ठिठोली करते हुए यह कहने पर कि तब तो यहाँ की गद्दी भी मेरी हो जाएगी, महंत जी ने सहज ही कह दिया, महाराज यह तो आपकी ही है। शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के पूर्व विशिष्ट आश्रम अयोध्या से आए पूर्व सांसद डॉक्टर राम विलास वेदांती ने भी अपने संबोधन में कहा कि मथुरा व काशी में भव्य मंदिर का निर्माण भी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते ही संभव होगा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए महायोगी गोरखनाथ द्वारा भेजा गया दूत बताया। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का स्मरण करते हुए डॉक्टर वेदांती ने कहा कि सभी संतों को एक मंच पर लाने का श्रेय ब्रह्मलीन महंत जी को ही है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व उस समय स्वीकार किया जब कांग्रेस सरकार के डर से कोई इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस अवसर पर अपने संबोधन में अलवर के सांसद और रोहतक के अस्थल बोहर पीठ के महंत बालकनाथ ने कहा कि गोरक्षपीठ राम राज्य स्थापना की संकल्प भूमि है और इस पीठ के ब्रह्मलीन महंत द्वय समूची मानवता के प्रेरणा पुंज। श्रद्धांजलि समारोह में दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास, बड़ौदा गुजरात से आए महंत गंगादास, कटक उड़ीसा से आए महंत शिवनाथ व नागपुर महाराष्ट्र से पधारे स्वामी जितेंद्र नाथ ने भी विचार व्यक्त किए। इसी क्रम में सांसद रवि किशन शुक्ला, राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल, राज्य महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी, व्यापार मंडल सुरेंद्र सिंह मुन्ना, चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष SK अग्रवाल, सिंधी समाज से लक्ष्मण नारंग ने भी ब्रह्मलीन महंत द्वय के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वागत संबोधन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह तथा संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। श्रद्धांजलि समारोह का शुभारंभ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चित्रों पर पुष्पांजलि से हुआ। वैदिक मंगलाचरण, डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी, गोरक्ष अष्टक का पाठ गौरव तिवारी व आदित्य पांडे तथा महंत अवैधनाथ श्रोत का पाठ डॉक्टर प्रांगेश मिश्र ने किया। सरस्वती वंदना एवं श्रद्धांजलि गीत की प्रस्तुति महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय की छात्राओं ने की। इस अवसर पर जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी, विश्वेश प्रपन्नाचार्य स्वामी, विद्या चैतन्य, महंत नर हरिनाथ, महंत कमलनाथ, महंत लालनाथ, महंत देवनाथ, महंत राम मिलन दास, महंत मिथिलेश नाथ, महंत रविंद्र दास, योगी रामनाथ, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा विद्या धाम से
क्षमादयस्ते गुणासुवेद्यै परिभूषिताङ्गम् अवेद्यनाथम् तमनाथनाथम् गोरक्षपीठाधिपतिम् स्मरामि। राणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब को सभी आगतों के स्वागत के लिए। प्रोफेसर यूपी सिंह साहब, मैं आप सबका आमंत्रण करता हूं, स्वागत करता हूं, आपके चरणों में मैं अभिवादन करता हूं। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर वर्ष इस विषय पर चर्चा होती है। हमारे दोनों ब्रह्मलीन पूज्य पीठाधीशरों न केवल मंदिर से जुड़ी संस्थाओं, महाराणा प्रताप शिक्षक से जुड़ी हुई संस्थाओं को प्रभावित किया, मार्गदर्शन किया, और हमारे इनके बीच में कार्य अनुशासन, वर्क डिसिप्लिन, आचरण की डिसिप्लिन और हर तरह का अनुशासन और कार्य का अनुशासन उन्होंने किया, बल्कि अनेक संस्थाओं के भी मार्गदर्शक रहे। उनका उन्होंने पथ प्रदर्शन किया, मार्गदर्शन किया और संरक्षण दिया, तथा उनके कार्यों में उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रबोधित किया। आज उन संस्थाओं की ओर से, अनेक संस्थाएं हैं, आज उनमें से कुछ संस्थाओं की ओर से उनको श्रद्धांजलि देने, हमारे दोनों ब्रह्मलीन महाराज जी को, महान जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इकट्ठा हैं। मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूँ। अब विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संगठनों की ओर से पूज्य संत द्वय के प्रति श्रद्धांजलि। मैं इस क्रम में सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हम सबकी श्रद्धा और आस्था के केंद्र गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पर विराजमान देश भर से आए हुए पूज्य संत चरण, इस सभागार में उपस्थित सम्मानित जन, बहनों भाइयों, गोरक्ष पीठ करोड़ों हिंदुओं की आस्था व श्रद्धा का केंद्र है। समय समय पर राष्ट्रवादी मिशन को आगे बढ़ाने में गोरक्ष पीठ की क्या भूमिका होगी, मानो भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने स्वयं ही इसको निर्धारित किया है, और इसको समय काल और परिस्थिति के अनुसार गोरक्ष पीठ के पूज्य पीठाधीश्वरों ने सिद्ध भी किया है। चाहे युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, आजादी के पहले, आजादी के बाद का काल, या राष्ट्र संत ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, किसी भी क्षेत्र में समाज जीवन के, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सेवा, सामाजिक समरसता, और या हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का अभियान रहा हो, उनके इन दोनों पूज्य संतों के योगदान को कौन भुला सकता है, और उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का काम वर्तमान गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो इस पीठ की गौरवशाली परंपरा का मामला हो, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते विकास के साथ साथ, सुरक्षा के साथ साथ धार्मिक आस्था के केंद्रों को मजबूत करने का मामला हो, मैं आज के इस अवसर पर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, आप सबकी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र जी। इसके पश्चात मैं महानगर के प्रथम नागरिक, महानगर के महापौर
भाई सीताराम जायसवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। परम पूज्य महाराज जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, संतगण और उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं, महाराज जी के नेतृत्व में एक हफ्ते से श्रद्धांजलि सभा विभिन्न संस्थाओं द्वारा राष्ट्र और समाज के विषयों पर श्रद्धांजलि दी गई है। आज श्रद्धांजलि का अंतिम दिन है। हमारे परम पूज्य राष्ट्र संत दिग्विजयनाथ जी महाराज, राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज, ये दो संतों का जीवन पूर्ण रूप से राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सामाजिक समरसता का क्षेत्र हो, इन दो महान सपूतों ने भारत के मान और सम्मान को बढ़ाया है। और इसके पश्चात में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं। श्री विपिन सिंह, आज श्रद्धांजलि सभा के साप्ताहिक कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री, सम्मानित मंच आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव मित्रों, पूज्य महाराज जी जब से गोरक्षपीठाधीश्वर हुए, हर क्षेत्र में बाबा गोरक्षनाथ की कीर्ति फैली है। चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारतवर्ष में पूज्य महाराज जी ने 5 सालों में यह बता दिया कि मित्रों, हिंदू समाज को जगाने वाला अगर कोई है तो अपने गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री है। मित्रों, आज प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया। पूज्य महाराज जी का नाम भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में पूज्य महाराज जी का डंका बज रहा है। पूज्य महाराज जी, पूज्य महाराज जी जब से पीठाधीश्वर हुए मित्रों, गोरक्षपीठ के अधीन करीब 3 दर्जन से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में तमाम संस्थाएं कार्य कर रही हैं। इसके लिए पूज्य महाराज जी को प्रणाम करेंगे। मित्रों, अभी पूज्य महाराज जी कहां जाएंगे, बाबा गोरक्षनाथ का आशीर्वाद है। पूज्य महाराज जी आगे पूरे भारतवर्ष की कमान संभाले डाले। सभी लोग यह कामना करिए कि बाबा गोरक्षनाथ कृपा करे और पूज्य महाराज जी देश की कमान संभाले। एक बार पुनः सभी को यहां धन्यवाद देते हुए सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय पूज्य महाराज जी। भारतीय संसद में भोजपुरियों का प्रतिनिधित्व करने वाले और भोजपुरी का डंका बजाने वाले गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय शुक्ला जी। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। सामाजिक समरसता के अग्रदूत, हिंदू पुनर्जागरण में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 93वीं व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ महाराज जी की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूज्य महाराज जी को कोटि कोटि नमन। हिंदू राष्ट्र ध्वज को लेके चलना इस मंदिर द्वारा ये प्रथा थी और पूज्य महाराज जी द्वारा ये समस्त विश्व में इसका प्रचार प्रसार हुआ। आज मैं विश्व भ्रमण करके आया हूँ विदेशों से, वहाँ पर पूज्य महाराज जी की इसी विचारधारा के बारे में बड़ी बड़ी चर्चा हुई। जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी में मैं गया और वहाँ के बच्चों से कि सनातनी विचारों को लेके सनातनी धर्म का पालन करते हुए अपनी संस्कृति के साथ भी आप
इस देश को जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं, जैसे पूज्य महाराज जी सेकंड टर्म में इस इतने बड़े 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं और सर्व समाज को लेके, ये हिंदुत्व की बहुत बड़ी पहचान है। और हिंदुत्व का ध्वज, या सभी हमारे पहले सबने कहा कि राम जन्मभूमि से लेके ये मंदिर, ये पीठ एक आंदोलन के लिए जाना गया, ये मंदिर और ये पीठ दूसरे के दुख दर्द को लेके चलने के लिए जाना गया, गरीबों की आवाज के लिए मंदिर ये पीठ जाना गया। जब भी गरीबों को पीड़ा हुई, पूज्य महाराज जी हमेशा खड़े रहे, ये पीठ हमेशा खड़ा रहा। जब भी अधर्म पर धर्म पर किसी तरह से कोई भी आपत्ति आई, ये पीठ खड़ा रहा। मैं ऐसे पीठ को प्रणाम करता हूं। और जितने मंचासीन सारे हमारे बड़े बड़े संत साधु यहाँ हैं समस्त भारत से, और इतने दिन से ये पूजा पाठ यहाँ पे जप चल रहा है, मैं सभी को नमन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि हमारी कोई कुवत नहीं, मैं इन लोगों के समक्ष बैठ के दो शब्द बोल पाया। आज महादेव की कृपा हुई कि आज इस लायक हमको महादेव बनाए। धन्यवाद महाराज जी आपके। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। श्रद्धांजलियों के क्रम में सदन से मंच की तरफ मुखातिब होते हुए मैं पूज्य संत जनों में सर्वप्रथम इस सदन के अत्यंत लोकप्रिय संत, प्रतिवर्ष हमें आशीर्वाद देने वाले अयोध्या के दिगंबर अखाड़े से पधारे महान सुरेश दास जी महाराज को मैं विनम्रतापूर्वक सादर आमंत्रित करता हूँ पूज्य संत द्वय के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए। जय श्री राम। बात बनी नहीं भाई, चलत महाधुरी गर्ज से भारी, पता चले कि कार्यक्रम हो रहा है। जय श्री राम। श्री गोरखनाथ मंदिर की जय बुला लीजिए। पहले जय बुला लीजिए, भगवान को जय बुलाते हैं तो अपना विजय होता है, भगवान का तो जय है ही है। श्री गोरखनाथ मंदिर की, श्री गोरखनाथ मंदिर की, युग पुरुष श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज की, राष्ट्र संत श्री महाराज जी की, और वर्तमान उत्तर प्रदेश के संत एवं हिंदुत्व के संरक्षक, गौ संरक्षक श्री महाराज जी की। आप लोग जानते ही हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। तो शिक्षा में भी और स्वास्थ्य में भी गोरखनाथ मंदिर सबसे आगे है। और विप्रधेनु सुर संत चार चीज के लिए भगवान का अवतार होता है, जिसमें गौ सेवा जो है यहाँ का प्रमुख है। गौ सेवा से ही प्रमुख है, इसलिए गोरखनाथ मंदिर कहा जाता है। और आप देखिए कितने विद्यालय चल रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चियां पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये सब महाराज जी की देन है। एक चीज और, एक जगह से खबर हमको मिली थी कि महाराज जी जगत में कौन परमानेंट आप सुनाए नहीं, तो लोग कहते हैं कि हमको परमानेंट बना दो। लोग कहते हैं कि हमको परमानेंट, चाहे वो नौकरी में हो चाहे कोई हो, लेकिन जगत में कौन परमानेंट, जगत में कौन परमानेंट, तेल चमेली वो के साबुन चाहे लगा लो सेंट, आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, जगत में कौन परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट, ध्यान रहे प्रभु पर फिर पहनो धोती अथवा पैंट, जगत में कौन परमानेंट।
फिर क्या करो, कहा साधु संत की संगति कर लो, साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। अब सुरेश दास कहे इस दफ्तर से मत हो ना एब्सेंट, जगत में को न परमानेंट, जगत में को न परमानेंट। पुनः श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं रसन श्री अवैधनाथ जी महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूँ संक्षिप्त शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज का दर्शन मुझे मिला 1973 में कलकत्ता में। कलकत्ता में एक बड़ा सम्मेलन था, महाराज जी गए थे, मैं उसमें था, वहीं दर्शन मिला महाराज जी का। महाराज जी मुझे वहीं से ले आए थे गोरखपुर। उसी दिन से मेरा गोरखपुर से संपर्क है, प्राय 40-45 वर्षों साल हो गया गोरखपुर गोरखपीठ के साथ मेरा संपर्क है। मेरा कर्णच्छेदन संस्कार महाराज जी ने यहीं करवाया और महाराज जी उस समय गुजरात गए थे भ्रमण में, 15-20 दिन भ्रमण किया, मैं महाराज जी का साथ था। महाराज जी गए थे कर्नाटक मैंगलोर, मैं महाराज जी का साथ था। उड़ीसा बंगाल आसाम त्रिपुरा में महाराज का प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ जहाँ महाराज का पैर पड़ा वहाँ मैंने गोरखनाथ जी का मंदिर निर्माण कर दिया। अगरतला में त्रिपुरा में, त्रिपुरा का राजधानी अगरतला, अगरतला में एक भव्य गोरखनाथ मंदिर निर्माण हुआ है। परम पूज्य महाराज जी गए थे, योगी जी महाराज गए थे अगरतला गोरखनाथ मंदिर में, हम लोग प्रोग्राम किया था। आप लोग 86 में यही हॉल में 86 में हरिद्वार में कुंभ मेला थी। कुंभ मेला में महाराज जी घोषणा कर दिया जो साधु लोगों के लिए एक योग साधना शिविर होगा गोरखपुर में, शिवनाथ जी योग सिखाएंगे। साधु महात्मागण यहीं आए थे, मैंने एक महीना यहीं रह करके साधुओं को आसन प्राणायाम ध्यान सिखाया और परम पूज्य महाराज जी प्रतिदिन प्रवचन करते थे। आज महाराज जी का श्रद्धांजलि उत्सव में मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करके मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। बड़ौदा गुजरात से पधारे महान श्री गंगादास जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। द्वय महापुरुषों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु गोरक्षनाथ, वंदे मातरम, जय भारत। महाराष्ट्र से पधारे महान श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूँ। श्री जितेंद्र नाथ, हमारे पीठ का और गोरक्ष पीठ का संबंध जो कागजों से भी मिलता है वो 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी से महाराष्ट्र का और इस गोरक्ष पीठ का पुरुषार्थ और भक्ति संबंध रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का वो पुरुषार्थ और वो धर्म कार्य और वो दिव्य चैतन्य प्रेरणा वो महाराष्ट्र से जो शुरू होती है और उस नदी का जब मिलाप गोरक्ष पीठ के ये भक्ति सागर पुरुषार्थ सागर इस पीठ से होता है तो विश्व की कोई शक्ति इस भारतवर्ष को विश्वगुरु बनने से रोक नहीं सकती। महापुरुष द्वयों की आज पुण्यतिथि है, उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, जय गोरक्षनाथ। अयोध्या धाम से पधारे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी को। माननीय वेदांती जी, भारत माता की। सभी लोग दोनों भुजाओं उठाकर बोलेंगे भारत माता की। पंजा नहीं दिखाई दे, बजरंग बली की गदा बनाई, मुट्ठी बांधी, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गोरक्षनाथ भगवान की, गोरक्षनाथ भगवान की, पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की, पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, हर हर महादेव। और याद दिलाना चाहता हूं 2007 में एक बैठक हुई थी अयोध्या हिंदू धाम में,
पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की अध्यक्षता में स्वामी बामदेव जी थे, पूज्य परमानंद जी थे, पूज्य नित्य गोपाल दास जी थे, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी थे, स्वामी परमानंद जी थे और उस समय सभी संत लोग वहां आए हुए थे। हिंदू धाम में बैठक थी। उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद बन चुके थे। अशोक सिंघल जी ने खड़े होकर कहा, महन जी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आज एक बात बता रहा हूं कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तभी राम जन्मभूमि का मंदिर बनना प्रारंभ होगा। ये अशोक सिंघल की बात, अशोक सिंघल की बात उस दिन चरितार्थ हुई जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि बननी चाहिए और भारत सरकार एक नया ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण प्रारंभ करे। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2020 5 अगस्त को जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रामलला के दरबार में पहुंचे, उसमें सभी संत लोग विराजमान थे और जब भूमि पूजन शिलान्यास हुआ, उस समय हमारे पास में कुछ संत लोग बैठे हुए थे और वो हमसे पूछ रहे थे कि वेदांति जी रामलला का मंदिर तो बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने कहा था काशी विश्वनाथ और भगवान कृष्ण का मंदिर भी बनना चाहिए। हमने कहा चिंता मत कीजिए, वो समय भी आने वाला है, वो समय जल्दी आएगा जब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर भी प्रारंभ हो जाएगा। और अभी जब मैं यहां आ रहा था तो 11 सितंबर को वाराणसी की कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे वहां पर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था, इसलिए वही भगवान शंकर की भूमि है। और याद दिलाना चाहता हूं जैसे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन शिलान्यास हुआ, मंदिर बनना प्रारंभ हो गया, वैसे ही योगी आदित्यनाथ के रहने पर काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। और याद दिलाना चाहता हूं एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर भी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए, भारतीय अध्यात्म जगत और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए भगवान गोरखनाथ ने योगी आदित्यनाथ को इस मठ पर भेजा है। और याद दिलाना चाहता हूं लोग कहते हैं जब हम लोगों ने 1984 में राम जानकी रथ प्रारंभ किया था तब लोगों ने कहा था, मैं बताना चाहूंगा, और कहा था वेदांति जी इतने धर्म के धर्माचार्यों को एक मंच पर कौन बैठा सकता है। हमने कहा कौन बैठा सकता है, कहा जैसे मेंढक को तराजू में तोला नहीं जा सकता वैसे कई संप्रदायों के संतों को जगतगुरुओं को एक मंच पर बैठाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं आज निवेदन करना चाहता हूं राम जानकी रथ चलने के बाद देश के सभी शंकराचार्य, देश के सभी रामानुजाचार्य, देश के सभी रामानंदाचार्य, देश के सभी बल्लभाचार्य, देश के सभी निम्बार्काचार्य, देश के सभी जगतगुरु एक मंच पर बैठकर निर्णय लिए। और वो दिल्ली का मंच था, उस दिल्ली के मंच पर रामलीला मैदान पर बैठकर निर्णय लिया था सज्जनों, और आज वह निर्णय दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दो मंदिर बनना प्रारंभ हो गया और तीसरा मंदिर भी शुरू होने वाला है। पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज 1970 में जब पहली बार मैं यहां आया था तब ये मंदिर नहीं था, छोटा सा मंदिर था। पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज वहीं पर खड़े थे, पूज्य अभिराम दास जी महाराज के साथ गुरुदेव के साथ आया था, पत्थर पड़े हुए थे, मंदिर का निर्माण चालू था। और इसके बाद गोरक्षपीठ कितना विस्तार लिया,
पूरे गोरखपुर में कई विद्यालय, महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये पूज्य महंत अवेदना जी के देन है। और मैं अपने जीवन की घटना बताऊं, 1996 में योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के पीठ के महंत बन चुके थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी 3 दिन का प्रवास था गोरखपुर में, संयोग से मैं भी उसी बीच में आ गया। महंत अवेदनाथ जी महाराज ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से कहा, जोशी जी कान खोर कर सुन लो, इस बार चुनाव मैं तब लड़ूंगा जब वेदांती को टिकट मिलेगा तब। ये पूज्य महंत अवेदनाथ जी महाराज ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से कहा था, और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा बिल्कुल आपकी बात सत्य होगी। और इसके बाद पहली बार मुझे 1996 में टिकट मिला मछली शहर से, और मैं उस लोकसभा चुनाव में जीता। आज निवेदन करना चाहता हूं, अब इस देश के अंदर जिन्होंने धर्म और संस्कृति को समाप्त करने का कुचक्र रचा था, अब वो समाप्त हो चुका है। अभी तो 300 के पार पहुंचा है। 2024 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 400 के पार करेगी, और तब जब 400 के पार हो जाएगी, तब जिस दिन राम जन्मभूमि पर एक केसरिया ध्वज लहरा जाएगा, उसी दिन भारत के संविधान में भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, जिसकी कल्पना महंत दिग्विजय नाथ जी ने और महंत वेदना जी ने किया था, जिसकी कल्पना डॉक्टर हेडगेवार ने किया था, जिसकी कल्पना गुरु गोरवर्कर जी ने किया था, जिसकी कल्पना अशोक सिंघल जी ने किया था, जिसकी कल्पना जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती ने किया था, वह कल्पना भी 2024 के बाद भारत को साकार रूप में दिखाई देगी। इसलिए आज इस उपलक्ष्य पर पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ वाणी विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं रोहतक हरियाणा से पधारे और अलवर राजस्थान के युवा सांसद श्री महंत बालकनाथ जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन और श्रद्धांजलि के लिए। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है, इस पीठ के साथ जुड़कर आप सब भी आज इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना के लिए एक उम्मीद जगी है। ये उम्मीद को पूरा केवल मात्र इस पीठ के महंत ही नहीं, अपितु इस पूरे क्षेत्र में गोरखपुर वासी सब लोग मिलकर पूरा करेंगे, इस भाव से हम सबको मिलकर काम करना होगा। आज पूरा देश आप सब की ओर देख रहा है, आप सब जानते हैं, आज कहीं भी जाते हैं, गोरखपुर का नाम लेते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के मुख पे एक प्रसन्नता आती है, आपको बड़े गर्व के साथ में देखता है, वो बड़ी उम्मीद के साथ में देखता है, वो बड़े विश्वास के साथ में देखता है, वो उसके विश्वास पर खरा उतरने का काम आप सबको मिलकर करना होगा। आज भारत की संस्कृति को स्थापित करने का काम आप सबको मिलकर करना होगा, तभी हम सब लोग मिलकर भारत की जनता की उम्मीद और भारत की जनता के विश्वास को हम पूरा कर पाएंगे। ये हम सब का दायित्व है। यहाँ पर सभागार में बैठे हमारे आने वाले पीढ़ी के हमारे होनहार छात्र छात्राओं का विशेषकर दायित्व है, समाज के सभी सामाजिक संगठनों का नेतृत्व करने वाले हर एक व्यक्ति हर एक संगठन का दायित्व है, गोरखपुर में जन्मे, गोरखपुर की आसपास की पूरी धरा पर जन्मे एक एक व्यक्ति का दायित्व, आपका विशेष दायित्व बनता है कि आज आपसे उम्मीद पूरा भारत रखता है। और मैं मानता हूं कि भारत के साथ साथ में पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया के समग्र जितनी भी सभ्यताएं हैं सबको आप सबसे उम्मीद है। आप सब देख रहे हैं कि कितना आज दुनिया के अंदर अराजकता का माहौल है, किस प्रकार से दुनिया के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे को अपने आप से भड़कर बताने की लड़ाई है। दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है, अगर दुनिया में शांति लाने का कोई काम करेगा तो ये सनातन धर्मी करेगा, और सनातन धर्मियों को आगे ले जाने का काम आप सभी गोरखपुर वासियों का है, इस गोरखपीठ का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको
इस गोरखपुर पीठ के उद्देश्य को अपना उद्देश्य मानकर, अपना धर्म मानकर, अपना कर्म मानकर देश की उम्मीदों पर हम सबको मिलकर खरा उतरना है। एक एक गोरखपुरवासी को, एक एक व्यक्ति को जो गोरखपीठ से जुड़ा है, एक एक सनातन धर्मी को ऐसे पूज्य पवित्र स्थानों से उस आशीर्वाद को ग्रहण करके उस बीज की भांति अपने आप को बीज मानकर हमें पूरे भारतवर्ष के अंदर वृक्ष पैदा करने हैं और पूरे भारतवर्ष के अंदर हम सबको उस भारत भूमि से जन्मे वृक्ष को पूरे विश्व भर के अंदर उस बीज की भांति हम सबको जाकर इस पूरे विश्व को फलीभूत करना है। इस भाव से हम सबको अपने जीवन को लगाना होगा। अच्छाई बुराई के बारे में हम सब जानते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये हम सब जानते हैं और मनुष्य जीवन का स्वभाव भी है। आप सब देखते होंगे कि जब हम दुर्गंध के पास से गुजरते हैं तो हमारा मुंह चिड़चिड़ा हो जाता है, हम मुंह बना लेते हैं, अपना नाक बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, ये स्वभाव है मनुष्य का। और ठीक उसी प्रकार से जब हम खुशबू की तरफ से गुजरते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारा चेहरा खुशी से झूम उठता है, मन गुदगुदाने लगता है। ठीक उसी प्रकार से अच्छाई और बुराई का कर्म है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा भी मन प्रसन्न होगा, हमारे आसपास का वातावरण भी प्रसन्न होगा। और हम अगर बुरे कर्म करेंगे तो जिस प्रकार से बदबू को देखकर हमारा मन दुखी होता है, ठीक उसी प्रकार से बुराई के पथ पर चलकर हम सब भी दुखी होंगे और समाज भी दुखी होगा। इस भाव से हम सबको अपने जीवन को लगाना है। इस भाव से हम सबको महंत और हमारे श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनका जीवन में कुछ नहीं है केवल जनता के हित के कल्याण के लिए, केवल अपने गुरुजनों के बताए हुए पथ पर आगे बढ़ने के लिए, आज यहां पर मंच पर अनेकों विद्वान संत बैठे हैं। हमारे दोनों महान पुरुष योगेश्वरों के जीवन के अंदर कोई भी छोटा सा मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई कर्म में, ना कोई वाणी में, ना कोई भाव में, ना कोई सेवा में छोटा सा भी दोष मात्र नहीं निकाल सकता। केवल निकाल सकता है तो व्याख्या कर सकता है उनके जीवन की, कोई निकाल कर सकता है तो केवल उनके जीवन के अंदर जो उन्होंने सेवा कार्य किए उनका विस्तार कर सकता है, व्याख्या ही उनका जीवन था। और हमको भी उसी प्रकार से जिनका केवल धर्म, जिनका केवल उद्देश्य, जिनका केवल कर्म मानव जीव का उत्थान करना है, अपने भारत का उत्थान करना है, अपनी संस्कृति की स्थापना करनी है और मानव जीव के अंदर शांति की स्थापना के साथ साथ में सद्भाव की स्थापना को आगे बढ़ाना है बिना किसी भेदभाव के। आप सब ने देखा होगा तो गोरखपीठ का इतिहास रहा है, नाथ संप्रदाय परंपरा का इतिहास रहा है कि समाज में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। और जब ऐसे नेतृत्व तो हमारे सम्मुख बैठे हों जिनका ध्येय राम की पूजा है, जिनका कर्म ही राम का भाव है, तो हम सबको तो बड़ा सौभाग्य मिला है कि ऐसे शुभ अवसर पर इनके साथ मिलकर, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर, इनके बताए हुए पद चिन्हों पर मिलकर हम निश्चित रूप से भारत की भूमि पर राम राज्य की स्थापना कर पूरे दुनिया के अंदर शांति की स्थापना के इस भाव को, पूरी दुनिया के अंदर हमारे दिए हुए महान ऋषि मुनियों की इस परंपरा के ज्ञान को पूरी दुनिया के अंदर प्रसाद के रूप में बांटेंगे और निश्चित रूप से हमारे इन महान सिद्ध पुरुषों की परंपरा को आगे बढ़ाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर यही श्रद्धांजलि हमारे गुरुजनों के श्री चरणों में देता हूं और ये संकल्प ले लेता हूं कि हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर, आपके पदचिन्हों पर चलकर अपने देश की सेवा में निरंतर समर्पित रहेंगे। आप सबका मंगल हो, आप सबका भविष्य उज्ज्वल हो। बोलिए महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। बहुत बहुत हम सबके सौभाग्य से पधारे, प्रयागराज से पधारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज को मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन, आशीर्वचन और श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए। पूज्य महाराज श्री नारायण 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 हरि ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय
गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो पुचरधर्मनम पदम पदभ्याम प्रियायाः पाणिश परिशाक्षमाभ्याम हृतपदरजो जोहरीन्द्रानुजाभ्याम भैरव्या छोरपड़ख्या प्रिबृहसारो शत्रुभ्यो विजृंभस्त्रस्ताब्धि बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतान्ना भर्जनम भवबीजानां मर्जनम सुखसंपदां तर्जनम जमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम। तो तीन बार भगवान का नाम श्रीराम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री गोरक्षनाथ महाराज के सत्य सनातन धर्म के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के भारत माता के गंगा माता के श्रीराम जन्मभूमि के श्री कृष्ण जन्मभूमि के काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। मुझे भैया ज्यादा बोलना आता नहीं है, महर्षि दिग्विजयनाथ जी महाराज को तो हमने नहीं देखा था, तब संपर्क नहीं था हमारा। १९६० का प्रयाग का अर्धकुंभ था, मैं बालक था 18-19 साल का। मेले में मैं टहल रहा था, तत्ने महर्षि अवैद्यनाथ महाराज को मैंने देखा। उस समय वो जुआ थे, शिविर का प्रबंध स्वतः लेकर के चारों तरफ दौड़ रहे थे। अरे देखा, मेरी श्रद्धा थी, मैंने जाकर के प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो कैसे रहते हो, तो मैंने बताया शंकराचार्य आश्रम में रहता हूं। इतने हमारी उनकी बात हुई, लेकिन जो स्नेहिल उनकी दृष्टि थी वो मुझे घर कर गई। इधर राम जन्मभूमि आंदोलन के अवसर पर बहुत बार मिलना होता था। 1991 के चुनाव के अवसर पर रामलला के पक्ष को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के साथ मैं भी चुनाव प्रचार भी कर रहा था। पहले पहल मैं आया यहां, ऊपर जहां आप रहते हैं उसके बगल कोने में रात्रि में मैं ठहरा। ठीक है, सवेरे उठा, स्नान स्नान करके मैं, मेरे पास एक कमरी रहती है, उसी को बिछा करके बैठ करके नीचे पूजा कर रहा था। तब तक महाराज श्री आ गए, कहा महाराज आप यहां कहां बैठे हो, शायद दूसरी तरफ कुछ विशिष्ट आसन रहा होगा, कहे आप वहां चल गद्दी पर बैठ करके पूजा करिए। मुझे कुछ हंसी सूझी,
कुछ बाल चापल्य सूझा। मैंने कहा महाराज जी उस गद्दी पर बैठेंगे तो वो भी गद्दी हम ले लेंगे। महाराज जी बहुत भावुक हो गए, आंखों में आंसू लेकर के कहते हैं महाराज जी वो भी गद्दी आपकी ही है। इतनी बात हुई थी उस समय। उनकी सरलता, सहृदयता, सर्वजन प्रियता का बखान करना बड़ा कठिन है। नारायण कैसे थे वो आप लोग जानते हो। उनका सारा कार्य बतला रहा है वो कैसे थे। हम तो अपने वर्तमान महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आशा रखते हैं, अपेक्षा भी रखते हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री होने के नाते हम चाहते हैं कि उनके महर्षि के संकल्प को और आगे बढ़ावें। आश्रम की व्यवस्था तो चली रही, बहुत बढ़िया चल रही, ऐसे कहीं नहीं चल रही, कहीं नहीं किसी आश्रम में ऐसी व्यवस्था नहीं चल रही। मेरे मन में कुछ बात आ रही मैं कह दूं। इसके साथ साथ हमारे वेदांती जी ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ आपके ही कार्यकाल में मुक्त होगा। मैं भी उसकी अपेक्षा करता हूं और आपको यह भी करना होगा कि अयोध्या का विकास बहुत जल्दी किया जाए, जो जो आपके मन में है उसे पूरा कर दें, क्योंकि प्रतिष्ठा जनवरी 24 में संभव है कि हो जाए ठाकुर जी की। उससे पहले अयोध्या का मार्ग वगैरह सब कुछ रामलला के अनुरूप बन जाए। और जैसा वेदांती जी ने कहा मुझे भी अपेक्षा है श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार हो जाए, ये देख करके तब मैं संसार से परित्याग करूं, अपने शरीर का विसर्जन करूं, ये अपेक्षा हमारी है। ये शब्दों के साथ महाराज श्री अवैद्यनाथ के चरणों में अपने वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। अपेक्षाओं के इसी अंबार को संभालने के लिए गुरु गोरक्षनाथ से प्रार्थना करते हुए अपने पूज्य महाराज श्री के लिए, ऐसे भारतीयता, राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति के लिए अपना जीवन, अपनी जवानी समर्पित करने वाले पूज्य महाराज श्री को सादर प्रार्थना करता हूं अपने मार्गदर्शन, उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए। पूज्य महाराज श्री, साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के क्रम में आज ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि है और इस समारोह में यहाँ पर अपना श्रीवतन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित जगतगुरु शंकराचार्य, पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, दिगंबर खड़ा अयोध्या से पधारे श्री महंतो सुरेश दास जी महाराज, रोहतक हरियाणा से पधारे हमारे माननीय सांसद श्री महंत बालकनाथ जी महाराज,
सुग्रीव किलाधीश अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, वशिष्ठाश्रम अयोध्या धाम से पधारे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांति जी महाराज, नेमिसारण्य से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी, कटकुटा से पधारे महंत शिवनाथ जी, बड़ौदा गुजरात से पधारे महंत गंगादास जी, नागपुर महाराष्ट्र से पधारे स्वामी जितेंद्रनाथ जी, अयोध्या धाम से पधारे स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, कच्छ गुजरात से पधारे योगी देवनाथ जी, महंत कमलनाथ जी, अन्य पूज्य संतजन, हमारे सभी माननीय जन प्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी उनके पदाधिकारीगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और संबद्ध संस्थाओं के सभी प्राचार्य प्रधानाचार्य, उपस्थित छात्र छात्राएं, शिक्षा परिषद से के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, विगत एक सप्ताह से गोरखपीठ में अपने पूर्व आचार्यों के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के उनके पुण्य स्मृति में साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का एक कार्यक्रम यहां पर चल रहा था, आज उसका समारोह है। और साथ ही ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के 8वीं पुण्यतिथि का भी एक पावन आयोजन है। मैं इस अवसर पर पधारे पूज्य संतों का आयोजन समिति की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने जो उद्गार यहां पर व्यक्त किए हैं, इसके लिए उन सबको गोरखपीठ की ओर से, आयोजन समिति की ओर से हृदय से साधुवाद भी व्यक्त करता हूं। गोरखपीठ की परंपरा भारत की सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। एक आश्रम की पद्धति कैसे होनी चाहिए, कैसे संचालित होनी चाहिए, समाज के प्रति, देश और धर्म के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये गोरखपीठ अपने पूर्व आचार्यों के उन सभी मूल्यों और आदर्शों पर चल करके उसका अक्षरशः पालन कर रही है। और यही कारण है कि भौतिकता के पीछे जब मानवता भाग रही हो, उन स्थितियों में भी अपने मूल्यों और आदर्शों को अक्षुण्य बनाए रखते हुए देश काल और परिस्थिति के अनुरूप, समाज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ गोरखपीठ जुड़ करके अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रही है। आप अनुमान कर सकते हैं कि एक धार्मिक पीठ आजादी के पूर्व जब यह देश प्राधीन था, तब शिक्षा की अलख जगाने के लिए अपने सीमित संसाधनों से इस अभियान के साथ जुड़ता है। आजादी के पूर्व देश की आजादी के लिए उस समय की आवश्यकताएं क्या हैं? पूज्य संतों ने उस कालखंड में अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग भूभाग में आंदोलन को कहीं ना कहीं नेतृत्व देने का काम भी किया और उसमें बढ़ चढ़ करके भागीदार भी बने।
गोरखपीठ भी उससे कभी अपने आप को वंचित नहीं रखा, क्योंकि पराधीनता तो देश की है, धर्म भी उस पराधीनता के दंश को झेल रहा था, तो कैसे गोरखपीठ इसको बर्दाश्त कर सकती थी। लगातार उस कालखंड में भी गोरखपीठ इस अलग के साथ, इस अभियान के साथ जुड़कर के अलग जगाने का कार्य कर रही थी, और यही कारण है कि आजादी के पूर्व देश के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने का कार्य का अभियान रहा हो, या आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण के उस प्रवर्तमान अभियान को एक नई गति देने का गोरखपीठ निरंतर अपने आचार्यों के सानिध्य में इस कार्यक्रम को युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज का निरंतर यही प्रयास रहा कि हमें देश कालोचित, समाज के अनुकूल, युग के अनुकूल अपने आप को ढालना होगा, और उसके अनुरूप देश और धर्म की रक्षा करने के लिए उस प्रकार के अभियान का हिस्सा बनना भी पड़ेगा। आज जो कुछ भी हम सबके सामने है, सब इन पूर्व आचार्यों की ही कृपा, उनके सामर्थ्य, उनकी साधना और उनकी सिद्धि का ही परिणाम है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सेवा के चलने वाले विभिन्न प्रकल्प हो, या फिर साप्ताहिक इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में देश और समाज से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों पर गोष्ठी के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना, एक धार्मिक पीठ अपने आप को केवल अपने पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रख सकती। हम देश और समाज की ज्वलंत समस्याओं से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। धर्म कभी भी हमें देश और समाज से जुड़ी हुई ज्वलंत समस्याओं से पलायन करने के लिए आज्ञा नहीं देता है। हम अपने आप को उन चुनौतियों के साथ जूझने के लिए तैयार करें। समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई समस्या को अपनी समस्या माने, हमारे धर्म स्थलों को उसके अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के अगर हम पलायन करेंगे तो जन विश्वास को खोएंगे। राष्ट्र से जुड़ी भी किसी चुनौती को लेकर के अगर हम मुंह मोड़ने का प्रयास करेंगे तो देश, वर्तमान और भावी पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करेगी, और यही भाव गोरखपीठ अपने पूर्व आचार्यों के सानिध्य में लेकर के निरंतर चला है। और आज भी आपने पिछले विगत एक सप्ताह के अंदर दोनों सत्रों में चले हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, उन सभी समसामयिक मुद्दों और मूल्यों की ओर समान का ध्यान आकर्षण करने का भी वह एक माध्यम बना है। एक सप्ताह के अंदर उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई, वे चर्चाएं चाहे वह भारत के सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दे हों, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम, ये भारत के लोकतंत्र की और भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास वैश्विक मंच पर कराता है। भारत की योग की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलना, ये भारत की विरासत की विजय है। कुंभ को वैश्विक मान्यता देकर के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिलना, ये भारत की सांस्कृतिक विजय के अभियान का हिस्सा है। भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण की वकालत आज वैश्विक मंच पर होना, और जब मानवता विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, इसमें बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो
स्वयं मनुष्य ने अपने भौतिकता में अति भौतिकता के पीछे पड़कर के स्वयं अर्जित की है, उनसे मुक्ति का कोई राह दिखा सकता है? तो भारतीय नस्ल का गोवंश प्राकृतिक खेती के माध्यम से उस राह को दिखाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है, और इस पर आज विचार किए जाने की आवश्यकता, इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, इस दिशा में एक नए मंथन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। गाय भी बचेगी और मानवता उन तमाम प्रकार की बीमारियों से बचेगी जो आज देख रहे थे। मैं आज सुबह जनता दर्शन के कार्यक्रम में गया था, लगभग 300 से ज्यादा लोग जनता दर्शन में आए हुए थे, और मुझे ज्यादातर मामले किस प्रकार के देखने को मिले, कैंसर के पेशेंट आए थे, किडनी खराब होने के वाले पेशेंट आए थे, किसी का लीवर खराब हो गया है, कोई हार्ट की बीमारी से परेशान है, गलती उनकी नहीं। जो कुछ हम खा रहे हैं, ये फर्टिलाइजर, ये केमिकल, ये पेस्टिसाइड, ये कहीं ना कहीं जिसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए किया जा, खेती के लिए किया जा रहा है, ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तो हमारे अंदर ही भोज्य पदार्थों के रूप में जा रहा है, और फिर एक समय वही बीमारी बनकर के इतना विभत्स रूप लेता है। स्वच्छता अभियान भारत का इतना अच्छा अभियान बना, इसने न जाने कितने लोगों के जीवन को बचाने का काम किया। हमें हरेक उस अभियान की कीमत को समझना भी पड़ेगा। आज से पहले 2017 के पहले इस सीजन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से हजारों मौतें होती थी, आज बीमारी नियंत्रण में है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ प्रयास अलग से किए गए हों, नहीं, पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम, जनता को जागरूक करना, जनता को स्वच्छता के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, थोड़ा भी प्रयास हुआ, शासन प्रशासन उस अभियान के साथ जुड़ा और जनता ने उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया, परिणाम है कि जहां 1200-1500 मौतें जिस पूरे सीजन भर में होती थी, आज उस मौत को हम लगभग जीरो तक पहुंचाने में हम सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं। 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 50,000 मासूम बच्चों को खोया है, 1977 से लेकर के 2017 तक आखिरी मासूम बच्चे इसी समाज की धरोहर थी, क्या गलती की थी उन लोगों ने, लेकिन अव्यवस्था के शिकार हुए थे वे सब। शासन के पास फंड था लेकिन उसका उचित नियोजन होना है, समाज को जानकारी नहीं थी कि जो बीमारी हो रही है ये बीमारी का कारण क्या है, गंदगी उसका कारण है, रहन सहन में थोड़ा बदलाव कर लें और हम स्वच्छता की तरफ अग्रसर हो जाएं। तो हो सकता है उन सब बच्चों को भी उस समय बचाया जा सकता था, लेकिन उस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हो पाए, और एक वक्त है, ये समय है आज की, कि जो कुछ भी भारतीय है इसका शोधन नए प्रपेक्ष में नए प्रयास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज जिस दिशा में सभी लोग मिलकर के एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, वह हर एक क्षेत्र में भारत को एक नई प्रतिष्ठा दिलाएगा। आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, प्रत्येक भारतवासी को भी
इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आजादी का ये अमृत महोत्सव वर्ष भी है। हम सब ने 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इन 75 वर्षों की यात्रा को हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया होगा। किसी ने 15 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष, किसी ने 30 वर्ष, किसी ने 40, किसी ने 50 वर्ष की यात्रा को नजदीक से देखा होगा। भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है, लेकिन दुनिया की एक महाताकत के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डाले बगैर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश को कुछ महत्वपूर्ण मंत्र दिए थे। पंच प्रण भी उसी का एक हिस्सा है। हर व्यक्ति को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी होगी। कृतज्ञता ज्ञापित करना अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, यह भी उसी का हिस्सा है। हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है? हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अगर वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए, अपने कर्तव्यों का अपने अपने क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग धार्मिक जागरण के कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा दें, व्यापारिक संगठनों के लोग व्यवस्थित तरीके से उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा लें, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग शिक्षा के उस क्षेत्र में नई प्रगति के द्वार खोल लें, प्रशासन से जुड़े हुए लोग प्रशासनिक व्यवस्था के साथ, समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग समाज सेवी एक निश्चल और निष्पक्ष भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। कोई कारण नहीं कि जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब उस समय हमें एक विकसित भारत दिखेगा, दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित भारत दिखेगा। हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश और हमारा धर्म सुरक्षित हो, ये कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में इस प्रकार का भाव न हो। ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया गया है, ये सब इसी बात को लेकर के किया गया है कि सभी अपने इस देश के बारे में सोच सकें। और आज उस दिशा में अच्छे प्रयास हुए हैं, अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, अच्छी दिशा में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। हम सब भी उसका अनुसरण करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, गुलामी के किसी भी उस अंश को जो हमारे मन में पराधीनता का भाव जागृत करता हो, उसको कतई हम स्वीकार न करें। वो किसी भी प्रकार की भाव का बोध हो सकता है, जो हमें पराधीनता की ओर अग्रसर करता हो, उसे हमें नहीं स्वीकार करना है। और यही कारण रहा, वेदांती जी तो जब मंच पे चलते हैं तो उनकी दिशा, अगर उनको उत्तर चलना है तो दक्षिण की तरफ जरूर जाएंगे। और चलते चलते अचानक मुड़ जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा, महंत वैद्यनाथ जी महाराज, गोरखपीठ की परंपरा के अनुरूप उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के नेतृत्व को भी स्वीकारा था। गोरखपीठ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभियान के साथ ही शैक्षिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जाने वाले इस अभियान को भी उन्होंने एक अपना हिस्सा बनाया था। आश्रम की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, गोरक्षा का कार्य भी होना चाहिए,
संस्कृत अध्ययन का कार्यक्रम भी चलना चाहिए। स्वच्छता का मानक कैसे हो सकता है? गोरखपीठ में स्वच्छता के उस मानक को आपने आज से नहीं, पहले से ही आप देखते रहे होंगे। ये सभी, मुझे लगता है हम सबको अपने जीवन का हिस्सा इसको बनाना पड़ेगा, हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर विगत एक सप्ताह से आप गोरखपीठ के आचार्य द्वय युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैं सबसे पहले पूज्य संतों का हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनका आशीर्वाद और उनका सानिध्य प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को और इस कार्यक्रम के माध्यम से गोरखपीठ की संस्थाओं को और गोरखपुर की जनमानस को प्राप्त होता है। मैं इसके लिए उन सब के प्रति हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं। विभिन्न संगठनों और संस्थाओं को जो इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उसे और भी रोचक बनाते हैं, उन सभी पदाधिकारियों को, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारी हैं, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, गोरखपुर की विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक व्यापारिक संगठन हैं, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके छात्र छात्राओं को अनेक रोचक प्रसंगों पर जानकारी लेने का एक अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि जिन मुद्दों पर यहां चर्चा होती है, अगर थोड़ा भी हमारे छात्र छात्राएं उन सबको, उन विषयों को नोट कर लें, तो उनको किसी भी कंपटीशन में पार लगाने में ये सभी विषय जो होते हैं, जो मुद्दे यहां पर होते हैं, संगोष्ठी के मुद्दे होते हैं, उनके एक सामान्य ज्ञान के लिए ये बहुत निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और इसीलिए प्रयास किया जाता है कि अलग अलग गोष्ठी के आयोजन के साथ अलग अलग संस्थाएं जुड़ें, उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ें, देश और समाज से मुंह मोड़ करके हमारी शैक्षणिक संस्थाएं कभी अपने भविष्य की योजना नहीं बना सकती, उनके साथ उन्हें जूझना पड़ेगा, उनके अनुरूप अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। और उसी अभियान का हिस्सा एक कार्यक्रम बना हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं को, जो युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की साधना और सिद्धि की एक थाती है, उसको आगे बढ़ाना, उसको यशस्वी बनाने की दिशा में हम सबकी सामूहिक तपस्या उसके साथ जुड़नी चाहिए। और क्या कुछ हो रहा है देश और दुनिया में, उसको भी हमें इसके साथ जोड़ने का प्रयास करना ही होगा। आज के इस अवसर पर आप एक सप्ताह के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, आप सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम अपने पूज्य आचार्यों के व्यक्तित्व और कृतित्व से, जो हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति हो, उनके लिए इन पूज्य संतों का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व हमेशा प्रेरणादायी बना रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए, गोरखपीठ और सभी संबद्ध संस्थाओं की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। और इसी के साथ अध्यक्षीय उद्बोधन और आशीर्वचन के साथ ये सभा यही पूर्णता को प्राप्त करती है। गच्छ पुनरागमनाय च, आप यहाँ से पधारें किंतु पुनः पुनः आगमन के लिए पधारें, इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।